Bride kidnapping is an unfortunate truth in Kyrgyzstan, Africa, and some parts of India, where the girl is abducted and forcefully married to a stranger. But have you ever heard of a groom getting kidnapped? It happens in some parts of UP and Bihar. Check out the story of one such groom, Rajiv Kumar. केस हम लोग दायर किए थे अपहरण और जबरन शादी का अपने घर से निकले थे कुछ दूर आगे चलने के बाद एक फोर व्हीलर जो है आके हमारे बगल में रुकी और जबरदस्ती उसमें हमको बैठा लिया गया उसके बाद जब निकाला गया गाड़ी से तो लाया गया मंदिर पर जब वहाँ हम विरोध किए उसके बाद पहले तो मारपीट किए उसके बाद जब नहीं हुआ तो जो पिस्टल का यूज किया हम लेकिन पट्टी पर रख के बोले या तो करो नहीं तो आइदर भाई हम तुमको जान से मार देंगे उसके बाद फिर मेरी वहाँ जबरदस्ती शादी की गई एक बजे के बाद हमको फिर वहाँ से लड़की पक्ष के यहाँ ले जाया गया सुबह जब हुई तब ना हमें किसी से मिलने दिया गया ना ही किसी को कोई बुलाया वहाँ उसके बाद उन लोगों का कहना था आप किए हैं शादी आप बुलाइए घर वाले को फिर हमारी जब यहाँ बात हुई मुझे पूछा गया तो हम कहे जो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और यहाँ कंप्लेन दर्ज किया गया जो हमारे लड़का को जबरदस्ती उठा लिया गया है वहाँ थाना पहुँची हमको वहाँ देखी अंदर रूम में हमको बंद किया गया था वहाँ से थाना यहाँ लाई उसके बाद मेरा बयान लिया गया और उसके बाद हमको रिलीज किया गया उसके बाद वहाँ से वो लोग प्रेशर बनाने लगे रिलेटिव सब से जो किसी तरह मैनेज हो जोर जबरदस्ती पैसा हर तरफ से इसी बीच एक आध बार जो है वहाँ से आए आदमी यहीं बैठ के बातचीत किए जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला इसमें कोई फॉल्ट नहीं रहता है लड़की का लेकिन फिर भी लड़का का भी तो एक स्वाभिमान होता है कि जिंदगी उसके साथ हमको जीना है जिसके वजह से हमको इतना मारा पीटा गया है उसको कैसे हम एक्सेप्ट करें You've heard the groom side of the story, but what happens to the girl who's married to a kidnapped groom? Check out the story of Anita Singh, who was married to a random stranger. शादी तो हो गई लेकिन उसके बाद घर में एक मातम सा माहौल था मेरे ससुर परिवार वो सब मानने के लिए राजी नहीं थे पकड़ किसका बाप शादी कर दिया तो हम लड़की को लाएंगे ही नहीं ये सब सुनने के बाद और अंदर से घुटन महसूस होती थी कि मेरे साथ मेरे बाबूजी क्या कर दिए सिर्फ रोने के सिवा कुछ नहीं था कि हम करेंगे तो क्या करेंगे जाने के बाद विदाई हुई जब मैं अपने ससुराल गई तो मेरे परछने के लिए कोई नहीं आया हमारे ऊपर जितना अत्याचार हो रहा था वो सभी को हम सहते गए क्योंकि मुझे ये लग गया था कि मेरे पिताजी गलत किए हैं तो उसका सजा हमी को भुगतना चार साल तक मेरे हस्बैंड मेरा साथ नहीं दिए लेकिन मेरा अपना आत्मविश्वास था कि नहीं जैसे हो इस रिश्ता को हमको नाम देना आगे बढ़ाना आत्मविश्वास और अपने हस्बैंड के सपोर्ट के कारण 10 साल में स्ट्रगल करते रहे हम अपने हस्बैंड से भी आज संतुष्ट हैं अपने परिवार से भी बहुत गंदगी महसूस हो रहा था बनने का है कुछ और बन रहा हूँ कुछ और पहनने का है कुछ मैं पहन रहा हूँ कुछ और इंडिया में फिटनेस का मतलब जिम सिर्फ जिम को ही कंसीडर कर रहा था उन्हें पता ही नहीं है स्ट्रीट वर्कआउट के बारे में